गिरिडीह स्टेशन रोड में एकेडमी मैदान के सामने सोमवार रात एक मोटरसाइकिल गैरेज में आग लग गई। मंगलवार को भुक्तभोगी गैरेज संचालक नुकसान की जानकारी दी। बताया गया कि आग लगने से गैरेज में रखे मोटरसाइकिल पार्ट सहित पैसे व अन्य सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर नगर थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम स्टेशन रोड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं गैरेज संचालक मोहम्मद सुल्तान ने झरिया गादी के कुछ युवकों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया है। सुल्तान ने बताया कि झरिया गादी के कुछ युवक उनके साथ मारपीट भी करने सोमवार शाम आए थे, जिसके बाद ये घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग लगा नहीं है सर, लगा दिया गया। कौन लगाया? झरिया गादी लड़का लोग लगाया है। कल फिर डंटा उंटा लेकर के आया था मारपीट करने के लिए। तो झरिया गादी लेन के किनारे हमेशा दारू बिकता है। झरिया गादी वार्ड कमिश्नर है, गार्डेना गली वार्ड कमिश्नर है, किसी की ताकत नहीं है मना करने का। डेली उलड़बाजी होता है, कभी ट्रेन में पत्थर चलता है, कभी इंजन में मार दिया ड्राइवर को। हम लोग के साथ भी इसी तरह होता है। हम लोग गरीब आदमी कमाते खाते हैं। छोटा भाई के 4 साल से दुकान किए हैं, सारा कमा के रखा, 4-4.5 लाख रुपए किए हैं, बहन के शादी भी किए हैं, सारा कुछ जला। कब लगा था आग? आग 2 बजे रात में आई लगा। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुल्तान। दुकान किसका है? दुकान मेरा ही है, छोटा भाई का मेरा। थाना में आवेदन दिए? थाना में जा रहे आवेदन देने के लिए। फायर ब्रिगेड को फोन किए थे तो आकर के आज काबू किया। क्या चीज का दुकान था? मोटरसाइकिल गैरेज था सर।